अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद, और सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मुझे देख रहे हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, उन सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। अच्छा जी, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी तकरीबन सुबह के 6 बज रहे हैं और 6:20 पे नमाज़ है, तो नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर आज का जो दिन है उसका आगाज़ करेंगे। तो बने रहिएगा, आज का दिन जो है बड़ा अच्छा गुजरेगा। और जो भी आज के दिन में हम करेंगे पहले दिन ईद के, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। अभी आपका भाई फुल रेडी सीन पे है और टोपी वगैरह जो है वो मेरे पास ही है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा बाल वगैरह बनाए मैंने, थोड़ा सा मतलब तफरी हो जाए, तो उसके बाद जो है हम आगे का सीन देखेंगे। अच्छा जी, नमाज़ होगी, 6:20 पे नमाज़ है। एक तो नमाज़ बहुत जल्दी होती है हमारे यहाँ पर, नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं और फिर उसके बाद आज का सीन देखते हैं क्या है। और अभी का सीन ये है कि एक तो मसला ये होता है ना कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, जिस मदरसे में मैं रह रहा हूँ, इनकी जो है ना नमाज़ बहुत जल्दी होती है। ये लोग 6:30 बजे 6:15 बजे ही नमाज़ जो है ख़त्म कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ही जल्दी कर लेते हैं, और फिर उसके बाद हमारा टाइम नहीं गुजरता है। एक टाइम मतलब 10 बजे तक जो है ना सबको नींद ही आ जाती है, फिर सारे चले जाते हैं घरों पे। अभी 9:10 बजे तक सब होंगे, उसके बाद सब चले जाएंगे। खैर, अभी हम लोग जाएंगे अपनी तरफ, घर पे पहले मिलना है, थोड़ा कुछ मीठा खाएंगे और उसके बाद जो है कब्रिस्तान भी जाना है। और सबसे पहली चीज़ ये कि हम 4 दोस्तों ने, जो मेरी टीम है, हम लोगों ने एक जैसे कपड़े ही पहने हुए, उन्होंने कपड़ों में थोड़ा सा ऊँच नीच कर दिए, लेकिन सेम है, तो उनसे भी मिलेंगे जाके, उनकी नमाज़ देर से, तो वो देर से उठेंगे। सबसे पहले घर जाते हैं और घर जाने के बाद मीठा वगैरह खाते हैं और फिर ईदी वगैरह लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आज का क्या सीन है। ओहो भाई, मीठे में खीर है भाई, क्या बात है। अभी सीन अभी कुछ ऐसा है कि घर वगैरह से जो है सबसे मिल लिया और जो है सीन ये बना है कि भाई चलें कहीं घूमने फिरने, तो सब छोड़ छाड़ के एक ही जगह कराची वालों को मिलती है, वो है CVO। और मेरे साथ जो भी दोस्त जा रहे हैं वो मदरसे के ही मेरे दोस्त, तो उन्होंने कहा कि भाई CVO ही जाना है, तो अभी एक है CVO का प्रोग्राम बन गया है, CVO जाना है थोड़ा सा, तो क्योंकि सुबह सुबह का जो टाइम होता है वो थोड़ा CVO का बड़ा मज़े का होता है। अभी मैक्सिमम 8:30-9 बज रहे हैं, तो चलते हैं CVO और देखते हैं क्या सीन है, और शायद नाश्ते का प्लान भी बन जाए, तो नाश्ता भी करेंगे, उसके बाद देखते हैं आज ईद का दिन कैसे गुजरता है। हम लोग जो है पहुंच गए, ईद का पहला दिन है और तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, और ये उस्ताजी क्या हाल चाल है, कैसी गुजर रही है ईद, VIP है सुबह। ये हमारे जरमीन है, एक ये अलग व्लॉगर बने हुए, और एक वो आ रहा सपाटर। आपके पास कराची में कोई जगह ना बची हो या आपके पास जाने को कोई जगह ना हो, तो एक ही जगह है, वो है CVO। CVO आए, इंजॉय करें और घर चले जाएं, बस। तो ये लोग भी मेरे को यही लेकर आ गए वापस से, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन ये लोग फिर लेकर आए मेरे को। और जब आप पंजाब से आए हो कराची और आपने बस CVO देखना हो, तो ये तीन वही लोग हैं, देखें इनको। रात को भी, हालांकि कुछ दिनों पहले रात को भी लेकर आए, लेकिन नहीं, इन्होंने फिर देखना है CVO। ये देखो बस, इसको पकड़ो। बच्चियों के पास जा रहे हैं। बच्चियों के पास कौन? अज़र अमीन है, इधर है। अल्लाह हू अकबर। अज़र वहाँ लड़कियाँ भी हैं, मेरे सामने कर सकते हैं, वहाँ औरतें आ रही, मैंने उनको कहा कि वहाँ नहीं देखो, फिर भी वहाँ भागे लड़की जैसे आप को सही तेरे हाल में रहे कल से अगले तू दो छरे चला भाई, जाए ना लड़ने। देखें गनों का बिल्कुल मजाक नहीं, ये ब्लॉग ही बंद है ना चूतिए। देखें नहीं, ये चीज बहुत गंदी है, इसलिए आपने जो है कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया। आपने इस क्रिमिनल को देख लिया, आपने इस क्रिमिनल को देख लिया, इसने क्या हरकत की, लोगों के ये देख के भाई रोंडबाजी कर निशाना मार के देख। इसको कड़क करो ना, इसको नहीं लगती हुए। मैं नहीं ना, पागल तो नहीं हूँ, इंसान हूँ मैं भी।
हाँ जी भाई, सीन अभी कुछ ऐसा है कि हम लोग जो है कब्रिस्तान वगैरह घर वगैरह से सबसे अभी हम लोग आए हैं अपनी जगह पे, अपने साथ जितने भी लड़के टीम के उनके साथ अब जो होगा शुगल मेला होगा। आए आए तरह तुम दोनों में सोजा पत्ती गोल करके बेहतरीन। ये चक्कर इन दोनों ने बस ये किसने की है इधर, एक ये इसने हरकत की, बाकी सेम है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा। अस्सलाम वालेकुम सर, ये खान साहब हमारे भाई, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको, कुछ कहेंगे व्यूअर्स को आपके बारे में? बहुत सारी मुबारक। मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी मुसलमान आबाद हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं ख़ास कर उनको ईद मुबारक, और जिन्होंने नहीं रखे उनको भी ईद मुबारक। मुसलमान हैं सारे, खैर मुबारक, बेहतरीन हो गया। भाई अभी आज का सीन क्या है? आज का सीन यही है कि गाड़ी रेडी है, अभी शूट वगैरह करते हैं ईद के लिए। अच्छा जी, ईद का जो आज का पहला दिन है ना वो तो ऐसे ही गुजर गया, मतलब अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि भाई इसको अच्छा गुजारने के लिए कुछ तो करना है। तो अभी हम लोग जो है कराची में पीपल स्क्वायर पर आएँ। मुश्किल है कि काफ़ी लोगों को ये पता हो, बंस रोड से पहले आता है पीपल स्क्वायर, काफ़ी पहले ओपन हुआ था लेकिन अब जो है लोगों के सामने ये जो है आने लगा है। एक तो ये पूरी फूड स्ट्रीट है और एक पार्क टाइप है फैमिली विदाउट फैमिली सबके लिए, लेकिन यहाँ पर फूड स्ट्रीट जो है वो बहुत ही आला किस्म की है, जिसमें एक है साजिद रेस्टोरेंट। साजिद रेस्टोरेंट सबको पता होगा, इन्होंने यहाँ पर अपनी भी एक जो है ब्रांच खोली है और ऑल आइटम्स यहाँ पर इनके मौजूद हैं। तो अभी हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया है कढ़ाई का, टिक्के वगैरह का। तो अब ये सीन है कि आता है और फिर आज देखते हैं क्या सीन है। बाकी ये तीन मेरे साथ बैठे हैं मेरी टीम के लड़के। हाँ खान, कैसी है? अब्दुल्ला खैरुल बरी।